एक जिद्दी मगर इनोवेटिव फाउंडर स्टीव जॉब्स के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा, मगर एप्पल कंपनी के इस जिद्दी को फाउंडर की अपनी कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं जिनसे हम सभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसीलिए हाई वैल्यू बींग ले आया है आप सभी के लिए 5 लेसन्स दैट स्टीव जॉब्स टॉट अस। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो नंबर 1 इज नेवर फियर फेलियर, यानी डर से बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो क्या आप जानते हैं दोस्तों कि स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी यानी एप्पल से फायर कर दिया गया था? इतने बड़े पब्लिक ह्यूमिलिएशन से कोई भी इंसान डर कर भाग जाता, मगर जॉब्स ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। जॉब्स ने स्क्रैच से एक नई कंपनी यानी नेक्स्ट की शुरुआत की, और तो और पहली फुली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म यानी टॉय स्टोरी को बनाने वाली कंपनी पिक्सार के चेयरमैन भी बने। इसके बाद जॉब्स सीरियस हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे, और तो और पेनक्रियाटिक कैंसर से उनकी मृत्यु होने ही वाली थी, मगर उसके बाद भी 2005 में स्टैनफोर्ड में दी हुई एक स्पीच में जॉब्स का कहना था कि डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। बिकॉज डेथ इज वेरी लाइकली द सिंगल बेस्ट इन्वेंशन ऑफ लाइफ। डेथ पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजों के लिए जगह बनाती है, पर हम सभी भी एक दिन पुराने होकर क्लियर ज़रूर हो जाएंगे, मगर आज हम नए हैं और ये सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है। स्टीव जॉब्स का कहना था कि अपने हार्ट और इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है कि आपको कहाँ जाना है, बाकी सब कुछ सिर्फ सेकेंडरी है। सो नंबर 2 इज आप जो है वही रहिए। तो स्टीव जॉब्स और एप्पल कंपनी दोनों की ही सक्सेस का एक बहुत बड़ा राज यही था कि वो प्रोडक्ट्स बना रहे थे जो वो खुद इस्तेमाल करना चाहते थे। यानी जस्ट बिकॉज मार्केट में वो प्रोडक्ट्स नहीं थे जो स्टीव को पसंद थे, स्टीव ने अपने आप को नहीं बदला बल्कि पूरी मार्केट को ही बदल दिया। एप्पल इस बात पे बहुत ज़्यादा गर्व करता है कि उनके प्रोडक्ट्स मार्केट से बिल्कुल अलग हैं, मगर वो हैं जो एप्पल कंपनी सच में बनाना चाहती है। यानी आप वही रहिए जो आप हैं। सो नंबर 3 इज स्टे हंग्री स्टे फूलिश। द होल अर्थ कैटलॉग के फाइनल इशू में जॉब्स ने जब ये लाइन पढ़ी स्टे हंग्री स्टे फूलिश, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही जीना चाहते हैं। एप्पल कंपनी के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स इसी एक फंडामेंटल लाइन पर बेस्ड थे, टेक्नोलॉजी को लगातार बेहतर बनाने की भूख, और उसी के साथ नई नई इनोवेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने की एक ऐसी करेज जो सिर्फ एक फूलिश इंसान में ही हो सकती थी। और क्या आप जानते हैं दोस्तों कि द मैकिंटोश, पिक्सार, नेक्स्ट, आईपॉड और यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट हर जगह दिख जाने वाला मैकबुक इसी एक फंडामेंटल के बाय प्रोडक्ट्स थे। ऑलराइट, सो नंबर 4 इज आप ज़िंदगी के डॉट्स को आगे की ओर नहीं जोड़ सकते, सिर्फ पीछे की ओर जोड़ सकते हैं। हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर ले, लाइफ ऐसे चैलेंजेस ज़रूर लाती है जो हमने बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किए होते। आपको आपकी गर्लफ्रेंड का डंप कर देना, एक अच्छी जॉब ना मिल पाना, और तो और 4 साल एक ऐसे स्टार्टअप पर लगा देना जो शायद चला ही नहीं। मगर क्या आप जानते हैं कि ये सभी चीज़ें ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज भी हो सकती है? हाँ, ये बिल्कुल ज़रूरी है कि जब भी आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आए तो आप उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपने फ्यूचर गोल्स पर फोकस्ड रहें।
मगर हर बात में चिंता किए बिना हमें इस बात पर भरोसा भी करना होगा कि डॉट्स इवेंचुअली कनेक्ट होंगे और हम वहीं पहुंचेंगे जो हमारे लिए एकदम बेस्ट होगा। यानी आगे बढ़कर ही हम हमारे डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। तो नंबर 5 इस हर दिन बेहतर होने का एक ही सीक्रेट है, अपने आप को अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से घेर लीजिए। तो इतनी बड़ी कंपनी एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स भी अपनी कंपनी में फिल शिलर, जॉन आईवी, पीटर ओपनहाइमर, टिम कुक, रॉन जॉनसन और ऐसे ही बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को रखते थे। और ये सीख भी जॉब्स को अपनी ही एक गलती से मिली थी। दरअसल कुछ समय पहले स्टीव ने जॉन स्कली को हायर किया था, मगर जॉन ने स्टीव को ही फायर कर दिया और ऑलमोस्ट एप्पल को ख़त्म कर दिया था। इस चीज़ से जॉब्स ने सीख ली और ये डिसाइड किया कि वो अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ टॉप नॉच प्लेयर्स को ही रखेंगे। तो यही थे 5 lessons that Steve Jobs taught us. अगर आप सभी भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हाई वैल्यू बींग को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।